ना वो जानक तायन मगन इन पुरक्षि तरह मकल तलक एम जि चिप्पा ना चिप्पा अड़पेन चिप्पा ईं आयुम ना वलर्दान पड़के वार पड़के आला तिरमणार अदय दैवते मरकर मुड़ा पेटादान पिया पड़ी नीता आना पेरा भावते मगन नीते वलते आरक नाम मरकर पगर्क सब नीव निके तोद ना इन उ पगर्क वयद पड़ी पर्व अब काल मणि की शूटिंग पड़पिड़े और मणि की वीट की सापा की वर्वर तुरु मणि की से मणि की वर्वर सेवन टू वन टू टू नईन इन वन टू टू लंच टाइम लंच टाइम स्टूडियो वीट के सापाटार आना काल मुंबे इनमार सुरेंद्रा इन सुरेंद्रा अड़ वर मनिधर अमिधरता मीदर सुंदा सुंदी अल विधम अड़पा मुझे सुरेंद्रा अड़कूर वर नबर अड़ते चलीवर शूटिंग ऐल मण ना मध्यान और मणि की सापा वर्वे वर्वल पदना वायपा नहीं मनपाड़ी पड़पिड़े से ना कुछ पड़पेन अब विरमे पीलो आना एगे यापड़ा विपे आना ये यापक यान और यापक शक्ति पड़पिड़ एतो इो इो उ संबंध सिंद सिंदने इतने इंडल और मणि की सापा वह एपड़ता कवन वेतारो तायार जानु जानक जानुपार जानु मेले वर सोल माड़ार अब अम्मा ना उन्न पड़ पड़े सुन नहीं पड़काम विंटे इोद मेले पो उन्े कूपड़े निश्चय एपोद अड़े अड़पार सर तुणीचल मेल पवे ओर रे मूं रेव रूपा नाला वायपा ऐसी मेल वरा अटो एट पदना एट मूँ इवती नालु एटना अवलोदा अब तुम ओवर रे रे इे नाल ऐसे चलिकोटे पड़िया उन्म पड़िया ना पड़े तले असिपे इप्ली असिपे अवलोदा कणमूि तरक न कन्नत पलारे अटी कई वाल कन्न अभी पद तरप इन अड़पारो इनमो और भयम कटे वर्व कट वाले तिरपे
கிட்டவால எப்படி சொல்வார், ஏழை என்று தான் சொல்வார். கிட்ட வருவேன், கையை பிடித்து இழுப்பார், மடியிலே என்னை சாய்த்து கொள்வார், பான்ஸ் பவுடர் எடுத்து என் கன்னத்திலே இங்கு அவருடைய விரல் பதிந்த இடத்துல தடவி கொடுத்து எனக்கு அறிவுரை சொல்லுவார். ஏன் சுரேந்திரா, ஏன் இப்படி படிக்காமல் இருக்கிறாய், நீ படித்து முன்னுக்கு வந்தால் எங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கும், நீ படித்து சரியாக இருந்தால் நான் உன்னை அடிக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு வந்திருக்குமா, இனியாவது நீ ஒழுங்காக படிக்க வேண்டும், புரிகிறதா என்று சொல்லி அனுப்புவார். அந்த நேரத்தில் எனக்கு அவர் மேல் வெறுப்பாக தான் இருந்தது, ஆனால் இப்பொழுது அதை நினைத்து பார்க்கிறேன், அவர் சொல்படி நான் கேட்டிருந்த நான் படித்திருந்தால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை தரமே எவ்வளவோ இன்னும் உயர்ந்திருக்கும் என்று இப்பொழுது நான் வருந்துகிறேன். அந்த இதே தெய்வத்தின் சொற்களை கேட்காமல் போனேனே என்று இப்பொழுதும் எனக்கு மனதிற்குள் அந்த சங்கடம் இருக்கத்தான் செய்கிறது.